नमस्कार, आप देख रहे हैं गोरखपुर न्यूज। मैं हूं मनोरमा। आइए नजर डालते हैं दिन भर के घटनाक्रम पे। गोरखपुर पुलिस ने ड्रोन कैमरे के जरिए नगर की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। शबे बारात और गणेश प्रतिमा विसर्जन को लेकर पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। पैदल गश्त कर पुलिस वालों ने लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया। एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बख्शीपुर में ड्रोन उड़ाकर सुरक्षा परखी। पूर्व में धर्म गुरुओं के साथ शांति समिति की बैठक करने के बाद पुलिस अपने स्तर से भी व्यवस्था को व्यापक स्तर पर दुरुस्त करने में जुटी है। आपको बता दें, मंगलवार को एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कोतवाली इलाके के विभिन्न मोहल्लों में ड्रोन कैमरा चलाकर छतों की निगरानी की। एसपी सिटी ने बख्शीपुर स्थित मियाँ साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज से जुबली रोड, बख्शीपुर चौक, थवई पुल, दीवान बाजार आदि स्थलों पर ड्रोन उड़ाया और उसके माध्यम से संवेदनशील अति संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण किया। पुलिस ने ड्रोन के माध्यम से नगर के मकानों की छतों का भी भौतिक निरीक्षण किया। इस संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं होगी। अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि ड्रोन की मदद से संकरी गलियों में ये देखा गया कि कहीं छतों पर ईंट पत्थर तो नहीं है, हालांकि कहीं पर कोई आपत्तिजनक सामान नहीं दिखा। पुलिस त्योहार और सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से सतर्क है। सड़क से लेकर आसमान तक से निगरानी की जा रही है। इस दौरान कोतवाली सीओ अनुराग सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर में आगामी त्यौहार जिनमें बारात और गणेश चतुर्थी के विसर्जन और अन्य भी त्यौहार आ रहे हैं, उन सभी को दृष्टिगत रखते हुए थाना कोतवाली क्षेत्र के कई क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाकर सभी की छतें चेक की गई, ताकि किसी प्रकार की कोई ऐसी सामग्री छतों पर ना इकट्ठी कर रखी हो जिसकी वजह से शांति भंग होने का डर हो, इसलिए इन ड्रोन को उड़ाया गया है। लगभग सभी छतें साफ मिली है और जिन जगहों पे थोड़ा बहुत कुछ इस तरह के ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल मिले उनको फ़ोटो खींचे गए हैं, उनको भेज दिए जाएंगे। ये एक तरीके से एक प्रिवेंटिव मेजर है, किसी भी त्यौहार से पूर्व उसको शांतिपूर्वक तरीके से समाप्त हो, उसके लिए ड्रोन उड़ाया गया है। यहाँ भविष्य में भी ड्रोन उड़ाए जाएंगे और पेट्रोलिंग है वो समय समय पर की जाएगी, ताकि सभी लोग शांतिपूर्वक तरीके से इन सब त्यौहारों को मना सकें। थैंक यू।